आज हमारा हाल क्या है? हर चीज जो हम दुनिया में करते हैं उसके पीछे कुछ रीजन है, नहीं है रीजन? बताओ, है ना? है नहीं है रीजन? है ना रीजन? मैंने थ्री पीस लिया, थ्री पीस समझ, मेरे चश्मे का फ्रेम, इसके पीछे भी कुछ रीजन है। एक तो मुझे चश्मा लगा तो मुझे चश्मा तो खरीदना था, लेकिन मैंने एक फ्रेम लिया। क्यों लिया ऐसा फ्रेम? इसके पीछे हो जाए तो इसका एक बेस है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हर चीज का बेस इस्लाम है, और उस इस्लाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल किया गया, बेस है ना। लेकिन आज हमने अपने किस किस को आइडियल बनाया है, किस किस को हादी, रहबर, हीरो, आइडियल, इंस्पिरेशन, हाँ और क्या क्या बोले, कुरान कितने अल्फाज लोग अदा करते हैं, किसको बनाया है? देख लो, ऐसा जिंदगी में कौन सा अमल है, हर इंसान अपने दिल पे हाथ रख के सोचे। जाहिर सी बात है, मैं भी इसमें कमजोर हूं, सभी इंसान कि जिंदगी को एक अमल में बोलूं कि ये मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से किया है, एक तो अमल ऐसे सोच लो कि मैंने जिंदगी में किया, तो ये मैं जवाब दे सकूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत में मैंने ये अमल किया, इसके अलावा बस को बेस और रीजन नहीं था। कोई एक अमल सोचो, हर चीज में तो मनमानी है, कोई एक अमल का ऐसा याद आ जाए कि जिंदगी भर के सुबह से शाम तक के 100 अमल में से एक अमल ये है जो मेरे नबी ने कहा था तो मैंने अमल कर लिया, बस तब बस यही है, और हो सकता है यही मेरी वजह बन जाए नजात की, मैं इस पे जवाब दे दूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी है। कोई ऐसा एक अमल नहीं बता सकता, नहीं एक अमल भी नहीं है लोगों के पास। हमारे जिसको बोलते हैं ना कार्ट, आजकल सिस्टम चूंकि मॉल्स का है तो कार्ट बड़ा समझ में आता, डब्बा कितना भरा हुआ है, वो बास्केट जिसमें सामान खरीदते हैं, तो मेरे कार्ट में एक भी ऐसा अमल नहीं है जिसको बताओ कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से परचेस किया था, डाला था डब्बे। सब चीजें मैंने अपनी मनमानी करके ली है, मैंने आइडियल्स और हीरो और फॉलोअर किसी और ही का था, जिसकी वजह से मैंने कभी शायद जिंदगी में एक अमल भी नहीं बता पा रहा हूँ कि ये अमल था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, चूंकि मैं मुत्तबे था, उनको नबी मानता था, उनके तरीके पे क्या बताओ, बाप होने के नाते बताओ, बेटा होने के नाते बताओ, माँ होने के नाते बताओ, औरत होने के नाते बताओ, मर्द होने के नाते बताओ, बच्चा होने के नाते बताओ, बड़ा होने के नाते बताओ। मैंने एक साहब को देखा था, मैं जब छोटा था, एक मजलिस में गया और मेरे साथ एक नौजवान लड़का था, वो भी छोटा, मेरी हम उम्र था, लेकिन वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला था। अब हुआ ये कि वाकया तकरीर चल रही थी, तकरीर में मुखर्रिर ने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फलां एक खाने का नाम लिया, शायद गालिबन सरीद या मैं भूल रहा हूँ, मेरा खाने का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खाना पसंद था। वह खाना होता है इसमें रोटी और गोश्त मिलाकर बनाया जाता है, तो ऐलान कर दिया, मतलब बोल दिया उन्होंने। अब उसके बाद हम खाने के लिए बैठे मजलिस में इस्तेमाल के बाद, अब सब पूछ रहे थे तुमको क्या पसंद है, तो किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को नानखलिया पसंद है, किसी को फुला पसंद है। वो नौजवान से जब पूछा कि आपको क्या पसंद है, तो बोले मेरे को वो पसंद है जो अभी मुखर्रिर ने तकरीर में बोला। सब ने बोला वो क्या रहता, वो कैसा बनता, कब खाए तुमने, तुम्हें कहाँ से मालूम हुआ, कैसा बनता हो? मैं कुछ भी नहीं मालूम। फिर तुम्हें कैसा पसंद है? तो कहा जब से मुखर्रिर ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, जब से मेरी पसंद भी वही हो गया। अब खाया नहीं, देखा नहीं, मालूम नहीं, बाद में देखेंगे जिंदगी में, पसंद तो होगी मेरी क्योंकि अल्लाह के रसूल को पसंद था, तो अब वो मेरी पसंद है। अब मैंने कभी देखा नहीं और मैंने कभी खाया नहीं, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, नबी की पसंद थी तो मेरी पसंद है, फिनिश हो गया। तो एक चीज तो होना चाहिए ना, उसके पास है एक चीज बोलने के लिए, एक चीज तो होना चाहिए ये मैंने किया। देखिए जिंदगी हमारी कितनी खाली है ऐसे अमल से, हम नहीं बता सकते। हम बुरखा भी पहनाते बच्चों को तो मजबूरन पहनाते, समाज क्या बोल रहा है कि औरंगाबाद में सब लोग बुरखा पहनते तुम्हारी बच्चे नहीं पहनते, ये भी ये सोच के नहीं बना कि अल्लाह का हुक्म था, मेरे नबी ने पसंद किया, वो भी मैं बोला ना हमारा डब्बा पूरा खाली है कि हमको एक अमल, मैं नहीं कह रहा हूँ आप लोगों के बारे में, बदगुमानी नहीं करता हूँ, लेकिन अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि एक अमल भी नहीं बता सकते हम जो ये मैं कहूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की मोहब्बत में मैंने ये काम किया। इसके अलावा कोई रीजन ही नहीं है मेरे पास, कोई चीज नहीं थी इसके अलावा, यही था बस एक मकसद कि नबी का तरीका था ये, चाहे वो मेरी नमाज थी, मेरा रोजा था, ज़कात थी, हज थी और तमाम मामला थे, खाना था, पीना था, उठना था, बैठना था, लिबास था, बातचीत थी, अखलाकियात थे, मामला थे, लोगों से मुलाकातें थी, बच्चों की तरबियत थी, बड़ों की तरबियत थी, बीवी के साथ सलूक था, पड़ोसियों के साथ मामला था, ये मैंने सिर्फ उनकी वजह से, कोई तो एक हो जिंदगी, तो अगर दीन इस्लाम है ना, तो उस दीन को प्रैक्टिकली समझाने वाली जात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो इनको फॉलो करे बगैर ना इंसान इस्लाम को फॉलो कर सकता और ना तौहीद पर चल सकता।
السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں جزاک اللہ